मतलब दिमाग नाम की चीज ही नहीं है ना, वो नहीं है। यू वांट टू फाइट टुडे, यू आर ट्राइंग टू। अगर मैं स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। सबसे पहले लाइटिंग को किया जाए अच्छा। आप करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। पूजा को बेसिकली काफी दिन से खुराफात जाग रही है, ये देखे जा रही है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, कह रही है एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइम पास होगा। पता नहीं इसने कहां किसी को स्लाइम डालते हुए देख लिया कहीं टेबल वेबल पे, तो उससे पागल हो रखी है लड़की। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके साथ करेंगे। क्या मेरे बाल बाल तो नहीं काट देंगे? आपके बालों पे थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और फिर माचिस लगाएंगे, देखते चलेंगे यानी। तो मुर्गा बना छोड़ेगी। मुझे सही में इसकी स्किल्स पे शक। पिछले दो दिन से इस बंदी ने पूरे यूट्यूब को देख डाला कि अरे ये देखो कैसे हो रहा है, सैनिटाइजर पे देखो कैसे आग लग रही है, ये चीज दिख नहीं रही। इससे अच्छा साइंस ले लेती, इतना इंटरेस्ट था तो। अरे क्या ट्राई करेंगे तभी तो पता लगेगा कि इन्होंने सही में डाल रखा है। वैसे ही बहुत ही अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत ही क्रांतिकारी हो, बहुत ही क्रांतिकारी। डीप केमिस्ट्री समझो ना कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट कैच फायर, व्हाई डज इट फ्लाई ऑफ, साथ के साथ उसका साइंटिफिक लॉजिक भी समझे। तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये देख रहे फन के लिए, जैसे बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते। और लॉकडाउन में कितने दिन बाद आज हमने हमारा शैंडलियर ऑन किया और देखा मेड की टेस्ट रिपोर्ट फेल है। देखो नीचे से तो चमक रही है, उंगली साफ दिखाई दे रही है, साफ नहीं करके जाते है देखो कितना गंद। और वैसे पूछेंगे ना तो हमेशा वर्षा बोलती है हाँ भैया कर दिया, मैं बोलता हूँ साफ, बोली हाँ साफ है। बड़ा गंदा हो गया मेरा, इसको साफ करना पड़ेगा। साफ ही नहीं किया जब से लिया, पहली बार जब से इंस्टॉल किया। 3-4 things that I wanted to discuss कि आप लोग घर पे हैं जो कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, that will make improvements in you, that will make changes in you, which are very important। ये देख लो मैडम को चश्मा दिया था, चश्मा ही टेढ़ा कर दिया। पहली जो चीज है जो आजकल बूम कर रही है, इस टाइम पे बहुत ग्रो कर रही है, इस क्रिप्टो करेंसीज। रीड अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, लर्न अबाउट देम, डू सम टेक्निकल एनालिसिस एंड देन इन्वेस्ट। कभी भी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो बहुत रिस्की है, बिना सोचे समझे तो मत इन्वेस्ट करना, बट आफ्टर प्रॉपर रिसर्च दिस इज अ थिंग ऑफ फ्यूचर। बहुत से कॉइन्स हैं जो बहुत ही वैल्यू होल्ड करते हैं, जिनका एक्चुअली आप वाइट पेपर देखोगे तो वो भी बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। आपको नहीं पता तो यूएस में भी लास्ट लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि गेम स्टॉप का स्टॉक आपको याद होगा, कैसे वॉल स्ट्रीट बेट्स करके एक ग्रुप था जिसमें कि इमैच्योर इन्वेस्टर्स ने जो है इन्वेस्टमेंट सीखी एंड दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। कलिया मम एंड शुगर, गुड बॉय, शुगर इज अ गुड बॉय। आजा इसको मैं खा ले। इसको पता है ना कि ब्राउन अपने में नहीं आने देगा, अभी देखना। शुगर सिट सिट, वेरी गुड। अब तो आप बहुत समझदार हो गए। कर दिया काम। ओ तेरी हड्डी जैसा कुछ भी दिख जाए अपना समझ लेते हैं। देखो मैंने जंप सिखाई है। राउंड राउंड राउंड, सुने आ जा, ले ले आ जा, आ जा, आ जा। ये ट्रेनर पहली बार देखा ब्राउन, ले आ जा, जा, जा। ब्राउन इज नॉट इंटरेस्टेड इन जंपिंग, इज इंटरेस्टेड इन पीइंग। पानी पिलाया तुमने? खाने में सुसु बहुत ज्यादा आ रहा है दोनों को। लाइटें चालू, एसी चालू, बिजली तो फ्री में बनती है और बिजली में कोई पानी थोड़ी इस्तेमाल होता है। बहाना क्या मिल गया, वो लगा दें आज? नहीं आज ज्यादा मौसम गर्म भी नहीं हो, धनिया लगा देते हैं आज। अरे हाँ पुदीना भी लगा देंगे। चलो आजा थोड़ी गार्डनिंग हो जाए। सही में करा दोगे? और क्या, इसी बहाने कंटेंट भी बन जाएगा, क्या बुराई है। सही में लगाओगे और क्या, कंटेंट बनाना नहीं है भाई, बनाना है ब्लॉग बनाना है, क्या बात कर रहे हैं। क्या आज तो हमें बोलोगे नीम का पेड़ गाड़ना है, पूरा बड़ा पेड़ उखाड़ के गाड़ देंगे। आज खाना भी बनाओगे, कंटेंट भी बनाना। और ये इतना बड़ा आम है, पपीता है? ये डैडी ले आया, बहुत बड़ा मैंगो। ये तो भाई मैंगो नहीं है, कार्बाइड की दुकान है। देखो हाथ देख, इसमें तो पक्की बात है इंजेक्शन लगे कार्बाइड के। मेरे हाथ इतने हैं ना, और मैंगो देखो कितना है। जबकि मैं एक तरह से पॉजिटिव सवाल पूछ रहा हूँ कि तू और मैं अगर मन करके दोनों अच्छी भावना से एक चीज को चलाएंगे तो नहीं चलेगी क्या? चलेगी। तो फिर तू उसमें उस अच्छे मन को क्यों नहीं रखती? बस यहाँ पे क्या बात है, दिस इज वेयर द गैप कम्स।
And this is where I think we as a couple need to improve. This is where I think that हमें एक्चुअली वर्क करने की जरूरत है कि भाई हंस क्या रही है सही में, मतलब तो इसलिए हंस रही है कि मैं शूट कर रहा हूँ ये चीज, बट असली में वी नीड टू वर्क ऑन दिस. एक घंटा अभी इसने लड़ाई की है मेरे से, बहुत बुरे वाली लड़ाई की हुई है हमारी. कोई एक्शन मेरा पसंद नहीं आया किसी चीज पे, आपका मेरा चेंज ऑफ ओपिनियन है, वी हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समथिंग, व्हाई कांट वी जस्ट टॉक इट आउट. बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप्स में ना, आप अपने इश्यूज को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है डिस्कशन से. टेल द टाइम यू डोंट डिस्कस, तो कई बार मन में आप अपने पार्टनर को लेके कई बार ऐसे सोच लेते हो, कई चीज़ों को अज्यूम कर लेते हो, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अ रिलेशनशिप. यू शुड ऑलवेज टॉक आउट एंड स्पीक अप अबाउट इट. मी एंड पूजा आर इन एन अरेंज मैरिज, और हमें शुरू का एक साल तो हमें सिर्फ एक दूसरे को जानने में लगे थे. सो मैं थैंकफुल हूँ कि 1.5 साल बाद शादी के शी स्टार्टेड ओपनिंग अप अ लिटिल, और उसके बाद हमारे इशूज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. नहीं तो क्या होता है, अगर इशूज़ होते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल, टू पीपल विल बी टुगेदर, दे विल not have the same opinions about everything, so chances होते हैं conflicts के. तो जब conflict अगर ऐसा कभी होता है तो you should discuss it out, understand the other party's point, leave your egos aside and then talk, and it'll surely solve. And the second thing that you can work on right now is NFTs, non-fungible tokens. A concept based on the Ethereum blockchain. तो आप जो भी लोग illustrations या किसी भी तरह की creation कर सकते हैं, GIF बना सकते हैं, बहुत अच्छा art बना सकते हैं, कुछ ऐसा कि जिसकी आप ownership दे सकते हो किसी को, और it should be the only unique ownership. So you can learn more about NFTs. So that's also a good option. अब सीरियस हो गए, नो मजाक. बाबा रामदेव को देखो, बिल्कुल ऐसे ऐसे पेट को हिला देते ही हैं. देखो ये मुझे जलेबी बना देते हैं पेट की. गुड मॉर्निंग गाइस, कल हम पुदीना इसलिए नहीं लगा पाए यार, उसके बाद हो गई थी शाम, और फिर पता ही है आपको पूजा और मेरे बीच में हैप्पी, मेरा नाम हैप्पी रखा है पूजा ने, और मैंने पूजा नाम चीकू रखा है, तो हमारे बीच में हैप्पी और चीकू के बीच में छिड़ गई थी जंग. वो जंग सुलझी, फिर दोनों देशों ने, मुल्क ने पीसफुल अग्रीमेंट साइन करा. उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज जो है मिल बांट के अग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ अग्रीमेंट साइन हुए टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि हो जाते हैं महीने में एक बार ऐसा एग्रीमेंट साइन करना जरूरी होता है जब आप दो कंट्री साथ में रहने लगती है, बहुत जरूरी है गाइस. आज लगाएंगे पुदीना. अपने औजार तो ले लो. ले लिए औजार, धनिया, पर ये धनिया ना शायद थोड़ा क्रश करना है. ये वाला हाँ क्रश कर देंगे इसे. यार ये पुदीना तो मुश्किल लग रहा है, तो डेड है. हैं मरा वो पुदीना कहाँ से लाएंगे, पर ट्राई करेंगे ना, क्या पता हो जाए. एक जोक था कि एक बार एक मिलिट्री टीम ना वॉर हार जाती है. अच्छा. सार्जेंट ऐसे उठा के मिट्टी को सूंघ के कहता है, अब इस मिट्टी में खुशबू नहीं रही. तो उसके बंदे कहते हैं, सर ये मिट्टी नहीं है तो क्या. पॉटी है. हम हमारे घर में ऐसा ही लग रहा है, देखो ब्राउन शुगर की पॉटी है. अब इस मिट्टी में खुशबू नहीं रही. आपको ये दो, आपको वो दो. देना जल्दी जा, पानी लेके आ, थोड़ा लेके आना बेटा. देख मेरी चप्पल गंदी हो गई, तेरा फर्श गंदा होगा, मेरा कुछ नहीं. फिर तो मैं भागी भागी जाऊंगी. और इसमें कीड़े लगे हुए हैं तेरे इसमें, इसलिए तो वो कर रही है यूज में आ जाए. सो गाइस फार्मिंग इज डन, अभी थोड़े दिन में आप देखोगे 15-20 दिन में मुझे विश्वास है हमारा धनिया यहाँ उगाएगा. ऑलराइट गाइस, क्लोजिंग द व्लॉग नाउ. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो. और अब लॉकडाउन का टाइम है, सो वी आर ट्राइंग टू मेक 1 वीडियो अ डे एंड विल बी पोस्टिंग इट द सेम डे इटसेल्फ. हो सकता है व्लॉग छोटे हों, बट विल ट्राई टू पोस्ट डेली, चाहे वो 5 मिनट का व्लॉग डालें पर हम डालेंगे. तो आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि इफ यू गाइस वांट अस टू पोस्ट डेली, चाहे व्लॉग छोटा हो, या यू वांट अस टू पोस्ट वीकली, पर व्लॉग जो है 10-12 मिनट का होगा.
आई एम इन फेवर की अभी हमारे पास टाइम भी है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। आई कैन शूट व्लॉग्स पूरा दिन में और शाम को एडिट करके डालू। विल स्टार्ट विद स्मॉल व्लॉग्स और एक बार हैबिट हमारी भी बन जाएगी, आप लोग भी बन जाएगी, देन विल टेक इट टू अ लॉन्गर वीडियो। कॉमेंट्स में जरूर बताना।